नमस्कार। तो आज अपन रेल विकास निगम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रेल विकास निगम स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक ने आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि देखा जाए तो रेलवे स्टॉक जैसे कि IRFC एक पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है, फिर भी यहाँ पे रेल विकास निगम में वैसे मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है रिसेंटली। तो यहाँ पे देखा जाए तो आज 125 पे क्लोजिंग दे चुका है स्टॉक, 2.50 वैसे अप यानी कि 2% ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अपडेट के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो रिसेंटली कोई खास अपडेट नज़र नहीं आ रहा है रिगार्डिंग RVNL स्टॉक। पर यहाँ पे मोमेंटम की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो दो लेवल है स्टॉक के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि 130 और नीचे की लेवल की बात की जाए तो 120 और नीचे गया तो 110। ए लेवल से जो स्टॉक के जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आप लोग देख सके, क्योंकि स्टॉक 130 को ब्रेक करेगा तो ऊपर सस्टेन होना चाहिए स्टॉक ने, और यहाँ पे 130 को ब्रेक करके भी ऊपर जाता है तो 140 का रेजिस्टेंस लगता है, जो कि दो बार ले चुका है। और यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम्स यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दे सकता है, पर वॉल्यूम्स भी कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर 130 तक जाता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले आए, 130 को ब्रेकआउट दिया तो 140 रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे कोई खास और अच्छी न्यूज़ आती है तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है और उसी में स्टॉक एक तेज़ी भी पकड़ सकता है, पर ऐसी न्यूज़ अभी तक रिसेंटली देखने को नहीं मिली इस मंथ में।